वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, अरहान एंटरटेनमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक वेब सीरीज का, क्योंकि इस वेब सीरीज के बारे में काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोले थे कि भाई इस वेब सीरीज का रिव्यू करो, लेकिन सॉरी भाई मेरे पास टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इस वेब सीरीज देखने, क्योंकि इस वेब सीरीज हालांकि रिलीज हो चुकी है, जनवरी में इसका पहला एपिसोड आया था इसी साल, और ये हर महीने लगभग एक या दो एपिसोड डालती, तो अब तक के तकरीबन इसके 9 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। ठीक 24 तारीख को इसका जो 10वां एपिसोड भी फाइनली रिलीज हो जाएगा। तो इस वेब सीरीज का नाम है परछाई। तो हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप सबके चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में, मैं हूँ राशिश शेख। तो आज हम लोग इसी वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे कि ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो परछाई ये वेब सीरीज बनी गई है रस्किन बॉन्ड की कुछ शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर। रस्किन बॉन्ड कोई नया नाम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर आप लोगों ने फिल्में देखते हो इंडियन फिल्म में, तो आप विशाल भारद्वाज का नाम तो सुने ही होंगे। विशाल भारद्वाज रस्किन बॉन्ड की काफी स्टोरीज को लेकर फिल्में बनाई। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो आप लोगों ने इरफान खान की मकबूल, प्रियंका चोपड़ा की सात खून माफ और द ब्लू अम्ब्रेला, ये मूवी कुछ ऐसी मूवी है जो रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज के ऊपर आधारित थी। वही इस वेब सीरीज में भी हमें तकरीबन अब तक के 9 एपिसोड देखने मिले और हर एपिसोड रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज को लेकर बनाया गया। इस हर एपिसोड में अगर एक चीज कॉमन है वो है गोस्ट यानी भूत। आप इसे चुड़ैल भी कह सकते हैं, आप आत्मा भी कह सकते हैं। सब स्टोरीज में हमें गोस्ट की कहानी बताई गई, लेकिन आप लोग जब भूत की या हॉरर स्टोरीज सुनते हो तो आपको डरावनी स्टोरीज याद आती होगी, या ऐसे घिनौने भूत जिसको मतलब यहाँ से ब्लड निकल रहा है या आंखें व्हाइट है या बहुत से कुछ व्हाइट साड़ी में, या मतलब एक भूत की छवि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग तरीके की एकदम डरावने भूत की। लेकिन बिल्कुल उस चीज को हटाकर ये वेब सीरीज में हमें भूत तो नजर आते, हर एपिसोड में हमें भूत नजर आते, मगर जितने भी भूत है उससे आपको डर तो लगेगा, लेकिन जब वो एपिसोड खत्म होगा तो उसके एंड में आपको उस पे एक क्या कह सकते हैं, आपको आपको फीलिंग होगी उनके भूत के बारे में, आपको फील करोगे कि यार वो किस लिए मरा या उसके पीछे का क्या रास्ता, ये हर एपिसोड में आपको बताया। और भूत के लिए आपको डर नहीं है, बच्चों लोग के लिए बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। हालांकि इसमें एडल्ट लोग के भी, एडल्ट लोग के बारे में भी काफी अच्छे तरीके से स्टोरी बताई है। लिंक कुल मिला के ये वेब सीरीज में आपको ना एरोटिक सीन्स देखने मिलेंगे, ना आपको डबल मीनिंग के डायलॉग्स देखने मिलेंगे। ये फुल ऑन एक टाइम पास शो है, टाइम पास वेब सीरीज में। इसमें हमें जो ऐसे जाने अनजाने कलाकार भी नजर आते हैं, तो कुछ जाने कलाकार है जैसे कि शक्ति कपूर, रायमा सेन, के मेनन और उसमें एक दो और है, फिलहाल मुझे उनका नाम जुबान पे नहीं आ रहा। ऐसे तकरीबन हर एपिसोड में आपको अलग अलग एक्टर एक्ट्रेस देखने मिलेंगे और उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट देखने मिलेगी। और कुल मिला के ये वेब सीरीज मैंने एक ही साथ देखे पूरे 9 एपिसोड, और मैं एक बार भी बोर नहीं हुआ ये वेब सीरीज देखकर। ये वेब सीरीज में स्टार्ट से एंड तक हर एक एपिसोड को आप फील करोगे, जो एक भूत की स्टोरीज में होता है एक रोमांच, एक थ्रिल, एक डर आप फील करोगे, साथ साथ एक अच्छी कहानी जिसके लिए आपको पता चलेगा यार वो जो आत्मा है या चुड़ैल है वो किस वजह से मरे और उसके पीछे का राज क्या था। कहीं कहीं कुछ कुछ एपिसोड में तो आप लोगों को भूत जो इतने फ्रेंडली गोस्ट बताया कि वो जो पब्लिक जिसमें जो काम कर रहे, यानी कि कहानी जो चले, तो कहानी में वो किरदारों की मदद करते हुए भी नजर आते हैं कुछ एपिसोड में, तो गोस्ट को इतना फ्रेंडली बताया। कुल मिला के ये जो वेब सीरीज है आप लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और बच्चों लोग को ये वेब सीरीज बहुत पसंद आएगी, और एडल्ट लोग के लिए भी इस वेब सीरीज में बहुत कुछ है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा कुछ इसमें अच्छाई, तो इसमें अच्छाई ये है कि जो लोकेशन है, हर एक एपिसोड में जो लोकेशन है बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चराइजेशन हुआ है। मेरे हिसाब से इसकी शूटिंग ऊटी, दार्जिलिंग, शिमला और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हुई है, और बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट लिए गए और काफी बड़े बड़े विलास बताए इसमें। तो ये वेब सीरीज देखकर आपको ऐसा लगे आप जैसे नानी या माँ लोग जैसी कहानियां सुनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके की ये वेब सीरीज बनाई गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। हर एक एपिसोड आपको लगभग 35 से 40 से 50 मिनट, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आप कोई भी एपिसोड में बोर नहीं होगे, आप फुल एंजॉय करोगे, फुल आप एक अलग एहसास होगा, क्योंकि आप लोगों ने हॉरर स्टोरीज या हॉरर मूवीज तो काफी देखी होगी, लेकिन ये ऐसी वेब सीरीज हॉरर जॉनर की तो है, लेकिन आप लोग को जरा भी डरने लगेगा या जरा भी ऐसा
फील नहीं होगा कि आप लोगों ने क्या देख लिया, आपको कुछ अलग देखने का एहसास होगा। और स्पेशली बच्चों को ये वेब सीरीज बहुत पसंद आएगी, बड़ों के लिए भी कुछ एपिसोड है उसमें लव स्टोरी काफी अच्छी तरीके से बताई गई। हाँ, एक एक स्टोरी तो मुझे बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी कृष्णा कॉटेज, उससे काफी सिमिलर लगे। एक एपिसोड आई थिंक तीसरा या चौथा एपिसोड था जिसमें रायमा सेन है, वो एपिसोड मुझे काफी हद तक कृष्णा कॉटेज की तरह ही लगा वो जो मूवी आई थी। तो कुल मिला के ये वेब सीरीज अगर आप लोग फ्री है तो आप जरूर देखो, क्योंकि दो दिन के बाद इसका मेरे ख्याल से 10वां एपिसोड आने वाला है जिसमें के मैनन हमें नजर आएंगे और शायद वो इस सीजन का आखिरी एपिसोड भी होगा। तो कुल मिला के ये वेब सीरीज देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। ये Z5 ऐप पे अवेलेबल है और शायद कुछ डाउनलोडिंग साइट्स पे भी है। तो अगर आप लोग फ्री हो और ये आजकल कुछ वेब सीरीज रिलीज नहीं हो रही तो उस दौरान आप लोग अगर वेब सीरीज देखना है तो इस वेब सीरीज को मैं रिकमेंड करता हूँ कि जरूर देखिए, स्पेशली बच्चे लोगों को पसंद। अगर आप लोगों को भी हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, लेकिन प्लीज ये वीडियो बंद करने से पहले आप मेरी वाइफ का एक चैनल है फूड कोर्ट, यूट्यूब में चैनल फूड कोर्ट जॉय प्लानिंग, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। अगर आप लोगों को फूड चैनल यानी आपको कुछ खाने के बारे में सीखना है जानना है तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत सी अच्छी अच्छी डिलीशियस डिशेज उस पर अपलोड होती है। तो यार मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।